प्रश्न औसतन हमारे पूरे जीवन काल में दिल की धड़कन कितने बार होती है? तो ये होती है 2.5 बिलियन बार। अगला प्रश्न है, माइटेलेस के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? तो ये है, माइटेलेस फाइलम मोलस्का के पहली सिपोडा वर्ग के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में कार्बन का कुल प्रतिशत कितना है? तो ये है 18 से 19%। अगला प्रश्न है, सफाई शारीरिक व्यायाम आराम और नींद खालिस्तान के अंग हैं? तो ये हैं व्यक्तिगत स्वच्छता के अंग। अगला प्रश्न है, सिरोसिस एक जिगर की बीमारी है जो यकृत की असामान्य संरचना और कार्यप्रणाली द्वारा वर्णित है। इसका मुख्य रूप से खालिस्तान द्वारा निदान किया जाता है। तो ये किया जाता है लीवर बायोप्सी के द्वारा। अगला प्रश्न, गुणसूत्रों में के सिरे के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो उत्तर है, गुणसूत्र के सिरे टेलोमेरेस कहलाते हैं। अगला प्रश्न, यूनियो के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यूनियो में 3 कक्षीय हृदय होता है। प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका में लाइलाज वायरल हेपेटाइटिस का सबसे आम प्रकार कौन सा है? तो यह हेपेटाइटिस सी। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं? तो ये होते हैं 1 जोड़ी। अगला प्रश्न है, अधिकांश मोल्स किसके होते हैं? तो ये होते हैं समुद्री आवास के। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन खालिस्तान के रूप में मौजूद है? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में केवल। अगला प्रश्न है, कार्बन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? उत्तर है, कार्बन कार्बोहाइड्रेट का मुख्य घटक है। और दूसरा, कार्बन जीवित प्राणियों का एक प्रमुख घटक है। और तीसरा है, कार्बन जैविक जीवन के लिए बुनियादी निर्माण खंडों में से एक है। अगला प्रश्न है, कौन सी एक अस्वास्थ्यकर आदत है? तो ये है बिना हाथ धोए भोजन करना। प्रश्न, गुण सूत्रों का निरीक्षण करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ये था हम हाफ मिस्टर। अगला प्रश्न, अन्य कैंसर की तुलना में कौन सा कैंसर बहुत दुर्लभ है? तो यह है हृदय कैंसर। अगला प्रश्न, कौन सा जीवाणु रोग नहीं है? तो एड्स, डेंगू और खसरा जीवाणु रोग नहीं है। अगला प्रश्न है, गंभीर तिरो या लाइलाज यकृत रोग का परिणाम क्या होता? तो ये होता है रक्त का थक्का बनना, रक्त प्रोटीन का उत्पादन, शरीर से पानी, दबाव और विषाक्त पदार्थों का उन्मूलन। अगला प्रश्न है, कौन सा फाइलम मोलस्का से संबंधित रही है? तो यह है समुद्री पंख। अगला प्रश्न, हृदय रोग लगभग कितने वर्ष पुराना है? तो यह है लगभग 3000 वर्ष पुराना है। अगला प्रश्न, कार्बन वायुमंडल में कार्बन का कुल प्रतिशत कितना है? तो यह है 0.04%। अगला प्रश्न, किस रोग को साइलोमोनेला एंट्रिका सीरोटाइप टाइफी भी कहा जाता? तो इसे कहते हैं टाइफाइड रोग। प्रश्न, लंबे समय तक बहुत अधिक शराब पीने से क्या होता है? तो ये होता है अल्कोहलिक लीवर डिजीज। अगला प्रश्न है, हमारे हृदय का हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त को हमारे शरीर के विभिन्न भागों में कौन पंप करता? तो ये करता है हमारे हृदय का बाया हिस्सा। अगला प्रश्न है, मेटाफेज के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो मेटाफेज के दौरान ये गुणसूत्र सबसे मोटा होता है और मेटाफेज के दौरान ये गुणसूत्र सबसे छोटा होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा फाइलम मोलस्का से संबंधित नहीं है? तो ये है डेकापोडा। अगला प्रश्न है, कार्बन चक्कर में कौन से कारक योगदान करते हैं? तो ये है श्वसन, जीवाश्म ईंधन, प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस वायरस के संचरण का प्रमुख कारण क्या है? तो ये है दवा की सुइयों को साझा करना। अगला प्रश्न, कौन सा यकृत रोग का उदाहरण देंगे? तो चिकन पॉक्स यकृत रोग का उदाहरण देंगे।